140 करोड़ रुपीज ने बनी मूवी बैंग बैंग जो वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपीज का बिजनेस किए थे। ऋतिक रोशन एंड कैटरीना कैफ स्टारर ये मूवी 2014 का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म था। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी बैंग बैंग मूवी एक्चुअल में हॉलीवुड मूवी नाइट एंड डे का ऑफिशियल रीमेक है। तो इस वीडियो में आपको ये ब्लॉकबस्टर मूवी का मेकिंग एंड बिहाइंड द सीन्स दिखाने जा रहा हूँ, जो देख के आपको डेफिनेटली मजा आएगा। बैंग बैंग जो है एक एक्शन कॉमेडी मूवी। एक्चुअल में देखी जाए तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का सभी फिल्म एक्शन से भरपूर है। मूवी में ये बाइक चेजिंग सीन तो आप देखी होगी। ये एक्शन सीक्वेंस को दुबई की एक रियल लोकेशन पे शूट किए गए थे। यह वाला एक्शन सीक्वेंस में ऋतिक एंड कैटरीना का कोई भी बॉडी डबल यूज नहीं करा गया था। सीन में दिखाई गई सभी शॉट उन्होंने खुद किए थे। आपको बता दूं कि मूवी में बाइक का जो स्पीड दिखाया गया है वो एक्चुअल स्पीड था। शूटिंग टाइम सच में इतनी स्पीड में बाइक सीन शूट करा गया था। स्टार्टिंग मोमेंट में बाइक का स्पीड 20 माइल्स पर आवर रखा गया था, लेकिन ग्रेजुअली ये स्पीड इंक्रीज करके बाइक का टॉप स्पीड 80 माइल्स पर आवर तक लिए गए थे। एंड ये सीन शूट करने के टाइम ऋतिक एंड कैटरीना कोई भी सपोर्टिंग वायर और कोई भी सेफ्टी नहीं लिए थे, जो बहुत ही खतरनाक स्टंट था। बैंग बैंग टाइटल ट्रैक वॉज कम्पोज्ड इन 5 मिनट्स। यस, ये सुनने में अजीब लगते हैं, एक गाना ओनली 5 मिनट्स में कम्पोज की गई एंड जो आज भी काफी पॉपुलर है। आपको बता दूं कि ये सॉन्ग कंपोज किए थे विशाल दादलानी एंड शेखर रबजनी, जिन्होंने बॉलीवुड की दो नामजदा कंपोजर हैं। बैंग बैंग सॉन्ग में जो डांस स्टेप्स हैं वो एक ट्रिब्यूटेड सॉन्ग था फॉर माइकल जैक्सन। इस सॉन्ग में मैक्सिमम स्टेप्स लेजेंड माइकल जैक्सन का सिग्नेचर स्टेप्स से लिए गए थे एंड ऋतिक सर का परफॉर्मेंस भी ऑसम था। ये सॉन्ग में कैटरीना कैफ का एक हॉट एंड अट्रैक्टिव स्टेप था। इस स्टेप को दिखाने के लिए सेट पर सच में पानी से भरा गया था एंड पानी के ऊपर रियल में ये शॉट लिए गए थे। तो ये सॉन्ग का कोरियोग्राफ किए थे बॉस्को मार्टिस, जिन्होंने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का हर मूवी में डांस कोरियोग्राफ करते हैं, जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई पठान मूवी। मूवी का यह वाला एक्शन सीक्वेंस दिल्ली लोकेशन पे शूट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सभी एक्शन शॉट रियल में शूट हो रहा है एंड ऋतिक सर ये सभी एक्शन खुद किए थे। इसके लिए कोई भी बॉडी डबल और स्टंटमैन का हेल्प नहीं लिए गए थे। इस सीक्वेंस में सभी रियल कार यूज करा गया था एंड कार्स को सच में ब्लास्ट भी किए गए थे। आपको बता दूं कि ये सीक्वेंस में सभी एक्शन कोरियोग्राफ किए थे एंडी आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने हॉलीवुड की वन ऑफ द फेमस एक्शन कोरियोग्राफर हैं। बैंग बैंग मूवी का लगभग 80% सीक्वेंस रियल में शूट करा गया था, लेकिन मूवी में काफी सारे VFX का यूज भी किए गए थे। जैसा कि ये ब्रिज वाला एक्शन सीन में शूटिंग के टाइम आसपास जो बैकग्राउंड था वो VFX के थ्रू रिमूव किए गए थे एंड सीक्वेंस वाइज सुंदर बैकग्राउंड ऐड करा गया था। आपको बता दूं कि मूवी में कोहिनूर डायमंड का जो क्यूब दिखाया गया है वो CG के थ्रू बनाया गया था, लेकिन मूवी में ये सीन काफी रियलिस्टिक लगा है। बाद में जब विलेन अटैक किए थे उसी टाइम ऋतिक एंड कैटरीना की विंडो से जाम देने वाला सीन भी VFX की हेल्प से दिखाया गया था। यहाँ पे विंडो एंड हिल के जगह पे ग्रीन स्क्रीन यूज करा गया था। मूवी का यह वाला सॉन्ग में काफी सारे CG VFX देखने मिलते हैं। हालांकि ये सॉन्ग की शूटिंग एक रियल स्टूडियो में शूट किए गए थे। यहाँ पे दिखाई गई काफी सारे सीन स्पेशल इफेक्ट की हेल्प से क्रिएट करा गया था, जैसे कि ये गुलाब की पंखुरिया और आइस वाला सभी स्मोक्स के लिए स्पेशल इफेक्ट की हेल्प लिए गए थे। बैंग बैंग मूवी का क्लाइमैक्स सीन में काफी सारे VFX शॉट यूज करा गया था। ये शिप वाला सीक्वेंस में जो आग दिखाई गई वो सभी स्पेशल इफेक्ट एंड VFX की मदद से दिखाया गया है,
लेकिन शूटिंग के टाइम कुछ ही जगह पे रियल आग भी लगाया गया था। मूवी का ये सीन देखिए, ऋतिक सर के पीछे एक धमाका के साथ काफी सारे आग जल रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सीन एक ग्रीन कलर की कपड़ा बैकग्राउंड पे सेट करके शूट किए गए थे, जो एडिटिंग एंड स्पेशल इफेक्ट की थ्रू ऐसा धमाकेदार दिखाए गए हैं।